और फिर से आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आए हैं। आज आपको कुछ डेफिनेटिव वर्ड्स बताए जाएंगे, छोटे छोटे ऐसे वर्ड्स बताएंगे जिनके बारे में डेफिनेशन देंगे और इनके बारे में डेफिनेशन देकर के साथ ही साथ आपको समझाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे वो टॉपिक्स की जिनके बारे में आपको बताना है। जरा देख लेते हैं आज किन टॉपिक्स के बारे में आपको बताया जाएगा, उनके बारे में डिफाइन किया जाएगा। सबसे पहले तो फिनोटाइप के बारे में बताएंगे। फिनोटाइप क्या होता है? मेंडल के नियम में बहुत बार फिनोटाइप और जीनोटाइप का जिक्र किया गया है, जिसमें हमेशा जीनोटाइप रेशियो फिनोटाइप रेशियो बताया जाता है। तो यहाँ पर आज आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में बताएंगे कि जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। साथ ही साथ इसी वीडियो में आपको ये भी बता दिया जाएगा कि जीन क्या होता है और जीन के बाद आपको बताया जाएगा कि एलील क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं फिनोटाइप के बारे में और जानने का प्रयास करते हैं कि फिनोटाइप क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। फिनोटाइप होता क्या है? किसी भी जीव में बाहर की तरफ से दिखाई देने वाले किसी भी जीव में दृश्य रूप प्रकटन जिस कैरेक्टर का होता है उसी को फिनोटाइप कहा जाता है। द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर एनी पार्टिकुलर ट्रेट इज कॉल्ड फिनोटाइप। एज एग्जाम्पल यहां पर देखेंगे, जब मेंडल ने क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया था तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन में F1 जनरेशन में कैरेक्टर की इस्माल की प्लांट प्राप्त हुआ था और ये कैरेक्टर की इस्माल की जो प्लांट प्राप्त हुआ था इसमें कैरेक्टर की डोमिनेंट जीन है, इस्माल की रिसेसिव जीन है। यहाँ पर जो लक्षण प्रकट होता है वो टाल होता है, टाल का कैरेक्टर प्रकट हो रहा है, जबकि इसमें जो जीन पाया जा रहा है वो इस्माल की का भी पाया जा रहा है, बोने पर के लक्षण वाला भी जीन पाया जा रहा है, लेकिन इसमें कैरेक्टर की ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाता है। पौधे में जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर उत्पन्न होता है वो कैरेक्टर की का उत्पन्न होता है और यही बाहर से दिखाई देने वाला लक्षण है, इसमें दृश्य रूप प्रकटन है और इसी दृश्य रूप प्रकटन को यहाँ पर जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो रहा है, प्रकट हो रहा है, उसी को फिनोटाइप के नाम से जाना जाता है। तो इसकी डेफिनेशन एक बार हम आपके सामने लिख भी दे रहे हैं, आप इसको नोट भी कर लेंगे। द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर ए पार्टिकुलर ट्रेट इज कॉल्ड फिनोटाइप। सच एज आगे चलते हैं, जीनोटाइप के बारे में देख लेते हैं। जीनोटाइप क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। अभी तक आपने देखा फिनोटाइप में जो कैरेक्टर बाहर से प्रदर्शित हो रहे थे उनको फिनोटाइप कहा जाता था, लेकिन अब आप यहाँ पर जीनोटाइप के बारे में देखेंगे। जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप इज ए जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये किसी भी जीव में जो जीन पाया जाता है उसको देख करके जब हम लक्षणों का निर्धारण करते हैं तो उसको जीनोटाइप कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन होगी फिनोटाइप इज ए जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर ए फॉर
पार्टिकुलर ट्री, किसी भी एक लक्षण के लिए किसी जीव में जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को जीनोटाइप के नाम से जानते हैं। जैसे एक प्योर टाल में अगर देखा जाए तो उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है कैटल की कैटल। एक प्योर ड्वार्फ पौधे में अगर लंबाई के जीन को देखा जाए तो उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है स्मॉल टी स्मॉल। अगर एक हाइब्रिड टाल में जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो उसमें होगा कैपिटल टी स्मॉल। अगर जीन को देख करके हम उसके लक्षणों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जीन को ऑब्जर्व किया जा रहा है किसी एक लक्षण के लिए, किसी एक पार्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, तो उसे हम कहते हैं जीनोटाइप। अब बात करते हैं जीन की, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। जीन के बारे में देख लेते हैं कि जीन किसे कहा जाता है। तो चलिए जीन के बारे में देखते हैं। जीन ये एक प्रकार का आनुवांशिक कारक है जो किसी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है और लक्षणों को भी ट्रांसफर करने का कार्य करता है। लक्षणों को तो प्रकट करता ही है। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी जीन इज एन इनहेरिटेड कैरेक्टर। जीन इज एन इनहेरिटेड कैरेक्टर नहीं फैक्टर। जीन इज एन इनहेरिटेड फैक्टर टू डिटरमाइन कैरेक्टरिस्टिक। किसी भी कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए, व्यक्त करने के लिए ये एक प्रकार का आनुवांशिक कारक है, इनहेरिटेड फैक्टर है। अब बात करते हैं जीन के बारे में, तो आप जान लिए। अब यहां पर आगे बात करेंगे एलील के बारे में। एलील्स क्या है, एलील के बारे में देखते हैं। एलील्स क्या है, तो आपने मेंडल के नियम में देखा था, थोड़ा सा समझ लेते हैं एलील के बारे में, फिर उसके बाद बताते हैं। आपने मेंडल के नियम में देखा था कि मेंडल के नियम में किसी एक पार्टिकुलर ट्रेट के दो कंपेरेटिव कैरेक्टर्स थे। जैसे पार्टिकुलर ट्रेट आपका, फिर से वही बात करेंगे लंबाई के कारक की, लंबाई के फैक्टर की। उसमें एक पार्टिकुलर ट्रेट लंबाई है जिसमें इसके दो कंपेरेटिव कैरेक्टर्स हैं, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। एक कैपिटल टी, ये टाल प्लांट है, ये ड्वार्फ प्लांट है। टाल प्लांट को रिप्रेजेंट यहाँ पर कौन सा जीन कर रहा है, कैपिटल टी। और यहाँ पर ड्वार्फ प्लांट के कैरेक्टर को कौन सा जीन कर रहा है रिप्रेजेंट, स्मॉल टी। तो ये दोनों ही जो कंपेरेटिव कैरेक्टर्स के जीन है इन्हें ही एलील के नाम से जाना जाता है, यही एलील कहे जाते हैं। तो अब तो डेफिनेशन आप जान ही गए होंगे कि एलील्स क्या है। चलिए डेफिनेशन लिख करके देख लेते हैं, आप नोट भी कर लेंगे। एलील्स आर अल्टरनेटिव, एलील्स आर अल्टरनेटिव वर्जन ऑफ ए जीन इज कॉल्ड एलील। किसी भी जीन का जो अल्टरनेटिव वर्जन है, अल्टरनेटिव वर्जन अभी मैंने बताया एक कैरेक्टर है लंबाई का जिसमें एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ये दो अल्टरनेटिव वर्जन्स हैं। यही दो अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे किसी एक कैरेक्टर के, तो यहाँ पर इन्हें एलील्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक चीज देखने से आपको यह भी पता चल जा रहा है कि एलील्स में भी आप टू टाइप्स, आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव, आइदर सेम
आर डिफरेंट एलील्स मे बी ऑफ टू टाइप्स एलील्स मे बी ऑफ टू टाइप आइदर सेम आर डिफरेंट एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे यहां पर कैपिटल की कैपिटल एक और देख लेते हैं जैसे यहां पर स्मॉल की स्मॉल की ये दोनों ही आप देख रहे हैं इसमें जो एलील्स हैं ये सेम है इसमें भी एलील्स हैं ये सेम है अब डिफरेंट देख लेते हैं कैपिटल की स्मॉल की जो अपन जनरेशन में मिला था ये देख रहे हैं इसमें जो दोनों एलील्स हैं ये एक साथ तो है एक ऑर्गेनिज्म में है लेकिन ये दोनों सेम नहीं है तो यहाँ पर एलील्स दो प्रकार के हो सकते हैं आइदर दे मे बी सेम आर डिफरेंट लक्षणों को प्रकट करने के आधार पर एलील्स दो प्रकार के होते हैं एक को डोमिनेंट एलील कहते हैं दूसरे को रिसेसिव एलील कहते हैं तो सबसे पहले डोमिनेंट एलील की डेफिनेशन देख लेते हैं एलील दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ एलील दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ is known as dominant allele जो अपने आप को express कर लेता है जो अपने आप को represent कर लेता है उसे dominant allele के नाम से जाना जाता है और recessive allele किसे कहेंगे इसके बारे में देख लेते हैं that allele that is unable टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इज नोन एज रिसेसिव एलील फॉर एग्जाम्पल इफ वी सी द जीनोटाइप ऑफ हाइब्रिड डॉग देन वी फाइंड दैट हेयर कैपिटल टी रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस इटसेल्फ देन दैट एलील इज कॉल्ड डोमिनेंट एलील एंड हियर दिस स्मॉल टी कैन नॉट रिप्रेजेंट इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड रिसेसिव एलील तो इस वीडियो में बस इतना ही अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे तब तक आप इतना देख लीजिए और इसका नोट बना लीजिएगा।